कोरोना वायरस जैसी महामारी बीमारी के चलते देश में इस समय पुलिस प्रशासन के साथ ही स्वास्थ्य विभाग अपनी जिम्मेदारी को निभा रहा है और अपनी जान जोखिम में डालकर दिन रात लोगों को अपनी सेवाएं देने में लगे हैं। इसी के चलते सांवेर में भी अभिनंदन स्वरूप लोगों ने फूलों और तालियां बजाकर स्वागत किया। दरअसल यह अनूठा आयोजन SDOP मानसिंह परमार की पहल पर SDM रवि श्रीवास्तव के निर्देशन में थाना प्रभारी सुनील यादव ने रैली के रूप में करवाया, जिसका उद्देश्य था कि लोगों को कोरोना के प्रति सजग तो रहे, साथ ही पिछले एक माह में लॉकडाउन का पालन कर पुलिस प्रशासन का भी सहयोग कर रहे। उसी तरह TI सुनील यादव भी वायरलेस पर पुलिसकर्मियों को कविताओं के माध्यम से उत्साहवर्धन कर रहे हैं। क्षेत्र के प्रमुख अधिकारियों SDM श्रीवास्तव, SDOP परमार, TI सुनील यादव, तहसीलदार तपीश पांडे, नायब तहसीलदार राजेश चौहान, BMO हेमंत रघुवंशी, पंकज चौहान के साथ ही सभी स्वास्थ्यकर्मी, नगर पंचायत के कर्मचारी रैली के रूप में नगर में सामाजिक दूरी का पालन करते हुए मास्क लगाए हुए शामिल हुए। देपालपुर से विशाल चांदना की रिपोर्ट। है फलक की जिद यहाँ बिजलियाँ गिराने की, अगर है फलक की जिद यहाँ बिजलियाँ गिराने की, तो मेरी भी जिद है यही आशिया बताने की। हिम्मत और हौसले बुलंद हैं। खड़ा हूँ अभी गिरा नहीं हूँ। अभी जंग बाकी है और मैं हारा भी नहीं हूँ। छोटी आदतें रहती हैं, कहीं कोई चीज़ छूने की, जैसे हैंडल पकड़ना, गाड़ी के दरवाजे खोलना, इन सब चीज़ों में कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में वायरस हमारे हाथ के माध्यम से हमारे घरों में पहुंचते हैं। उस चीज़ों को रोकने के लिए हमें हाथ को सैनिटाइज करना, हाथ को बार बार धोना, ये यदि छोटे छोटे उपाय हम अपना लेंगे तो निश्चित तौर पर हम वायरस से सुरक्षित रहेंगे, बीमारी से सुरक्षित रहेंगे और हम अपने दैनिक कार्यकाज को भी, कामकाज को भी कर पाएंगे। तो इसी संदेश को लेकर और लोगों में एक कोई जो हताशा या निराशा का भाव है घर में बैठे बैठे, उसको दूर करने के लिए आज ये प्रयास किया जा रहा है और लोगों से अपेक्षा और अपील की जा रही है कि कोरोना वायरस से लड़ने के लिए हम ये छोटे छोटे उपाय अपनाएँ, घर में रहें, सुरक्षित रहें, परिवार को सुरक्षित। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।